यो दिस इज रोहित शेट्टीज सर्कस, सर्कस मूवी का नाम है ये, वो सर्कस का सोनी है, बस यही सोच के देख ली थी मैंने ये मूवी। पर ये मूवी देखने के बाद पता चला कि ये इसका टाइटल नहीं है, इसकी असलियत है। सालों ने मूवी का नाम लगा के पूरा सर्कस का ही शो कर डाला। बस फर्क ये है कि तुम्हें सर्कस का शो देखने पर हंसी आ जाएगी, नहीं भी आई तो ये तो पता चली जाएगा कि इस पॉइंट पे इधर कॉमेडी हो रही है और चाहू तो मैं हंस सकता हूँ, इट्स माय चॉइस। परंतु रोहित शेट्टी की ये सर्कस देखते वक्त तो तुम अपने दिमाग का भरोसा ही मत कर लेना कि वो तुम्हें इस 2 घंटे के मातम भरे रेगिस्तान में कॉमेडी ढूंढने में तुम्हारी मदद कर देगा। कॉमेडी ढूंढने के चक्कर में वो बेचारा कोमे में ही चला जाएगा, जिसके आगे फिर सीधा फुल स्टॉप ही आएगा। एक्चुअली इस सर्कस को समझना रोहित शेट्टी के अलावा किसी और के औकात के बाहर की ही चीज है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाता है, पूरी इंडस्ट्री बैंड्रा और अंधेरी में आ गई है, राइट, इसलिए फिल्में चल नहीं रही है लोगों की। इसलिए 200 बनती है और 4 चलती है। हमारा जैसे कि चल रही है क्योंकि हम ग्राउंडेड है और हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि इनका क्या प्रॉब्लम है। अच्छा वाह, क्या कॉन्फिडेंस है इस मूवी को लेकर, जो थिएटर में तो फ्लॉप रही लेकिन इनके दिमाग में हिट हो गई। सुपर हिट गोलमाल्स बनाने के बाद गोलमाल का इतना आदी हो जाता है इंसान कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ के साथ ही ऐसा ही गोलमाल कर देता है, right. इसलिए फिल्में चल नहीं रही है लोगों की। तो आइए स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का मौन व्रत रखते हैं उन लोगों के ब्रेन सेल्स के लिए जिन्होंने इस भयानक मंजर को टिकट खरीद कर सिनेमा हॉल में एक्सपीरियंस किया। लेकिन तू डर मत, चिंता मत कर, मैं बचा लूंगा तेरे को, हंसने नहीं दूंगा तेरे को, इस रेगिस्तान में सेफली सैर करा के लाऊंगा तेरे को। तो इसी बात पे कमेंट में यू नो माई नेम तो से माई नेम, इस मूवी को देखने से पहले का प्रिकॉशन तो इन्होंने इसके नाम में ही बता दिया था, इसको देखने से पहले अपना सर कस लो एंड लेट्स गो। तो कहानी चालू होती है 1942 के एक रिसर्च लैब से, जहां ये जॉर्ज जमनादास नाम का डॉक्टर, जो दिखने में डॉक्टर का डॉग भी नहीं लग रहा, सिर्फ टर लग रहा है, ये मैं जानता हूँ इसको, फिर को ये मैं भूत बनता था ये आदमी, आज इधर ज्ञान दे रहा है सबको। एनीवे ये इधर सबको सरोगेसी का आइडिया दे रहा है कि ऐसा होगा भविष्य में जो लोग माँ बाप नहीं बन सकते वो बन जाएंगे किसी और की कोख किराए पर लेकर। अबे इसे अफेयर बोलते हैं गांडू, पूरी बात सुन ले बिना फिजिकल होए, फिर इसे स्पर्म वेस्ट बोलते हैं, चुप। ये इधर ऐसे समझा रहा है कि माँ कोई और बनेगी लेकिन माँ ना किसी और को जाएगा, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं मान रहे। तो ये इनको समझाता है कि मैं मशीन में सिक्का डाल के कोल्ड ड्रिंक निकाल के मेरी गर्लफ्रेंड को दे दूं, तो ये कोल्ड ड्रिंक मेरे गर्लफ्रेंड की हुई ना कि मशीन की, एंड हेंस प्रूव्ड। नाउ लेट्स कंटिन्यू द मूवी। ये डॉक्टर जॉर्ज जमनादास और ये रॉय जमनादास दोनों अनाथालय में रहते थे और इनको कोई अडॉप्ट ही नहीं किया, अब ये खुद अपना अनाथालय चला रहे हैं दुनिया में अपनी बात प्रूव करने के लिए कि खून के रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, परवरिश अच्छी होनी चाहिए। ये प्रूव करने के लिए ये 2 ट्विंस को बदल दिया और इनकी एक जोड़ी को अडॉप्ट करने आए बेंगलुरु के बिजनेसमैन और दूसरी जोड़ी को अडॉप्ट करने आए ऊटी के सर्कस चलाने वाले। इनका कोइंसिडेंस देखो, दोनों ही पेरेंट्स ने इनका नाम रॉय और जॉय रख दिया। रॉय और जॉय, नहीं नहीं नहीं, कोइंसिडेंस नहीं है ये पगलो, ये रोहित शेट्टी की जीनियस स्ट्रेटजी है मूवी को थोड़ा और फनी बनाने के लिए। शकल तो इनकी सेम है ही, नाम भी सेम कर दिया, सेम शकल सेम नाम, मतलब मोर कंफ्यूजन, एंड मोर कंफ्यूजन मतलब मोर कॉमेडी। हाँ इधर तो ऐसा ही होता है, तुम्हारे गाँव का नहीं पता मुझे। अब ऊटी का रॉय अपने भाई जॉय को बिजली से बचाने के लिए तार पकड़ लिया करंट का, कोई असर ही नहीं हुआ इस पे, लेकिन इसके असली भाई बेंगलोर के रॉय पे वहाँ करंट लग रहा है। ओ अच्छा, तो मतलब ये जुड़वा वाली बीमारी से अब तक नहीं उभर पाया है क्या बॉलीवुड, 2023 में भी यही बकचोदी चल रही है इनकी, वाह। और हाँ ये बात मैं बताना भूल गया, ये है कॉमेडी मीटर तुम्हारी सुविधा के लिए। अब क्रैश कोर्स कर रहे हैं अपन, इसलिए सारे कॉमेडी सीन तो नहीं दिखा पाऊंगा तुमको, लेकिन जब भी इधर कॉमेडी होगी और तुम उससे अपरिचित ना रह जाओ, इसलिए ये मीटर तुमको अलर्ट कर देगा हंसने के लिए, तो याद से हंस देना, ठीक है। नाउ बैक टू द मूवी। इस पे करंट का असर ना होने का पता चलते ही इस जुगाड़ू आदमी ने अपने इस टैलेंट या बीमारी जो भी है को मोनेटाइज कर दिया। अब ये सर्कस में करंट पकड़ के कर्तव्य दिखाता है और दूसरा रॉय वहाँ झटके खाता है। तुमने ये आइडिया बहुत क्रिएटिव और नया तो ले लिया, लेकिन सालो दिमागदार हो, करंट का असर इस पे नहीं हो रहा, इस पे हो रहा है, तो ये करंट खा के मर क्यों नहीं रहा। Oh.
सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स मटका के हंसा देना हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ अपने हाव भाव से ही कॉमेडी करना और पागलों जैसे ओवर एक्टिंग करने में फर्क होता है। अभी शुरू के सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं और मैं पूरे 2 घंटे की मूवी समझ गया हूँ कि इधर क्या होने वाला है। इस मूवी की नींव सिर्फ इन 2 चीजों पे टिकी हुई है, इसके इधर करंट लगेगा, उसके उधर असर होगा जिसको देखकर ऑडियंस हंसेगी इनके सपने में। इन रॉयो और जोयो का जोड़ा एक्सचेंज हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा जिसे देखकर हम हंसेंगे इनके सपने में। मैंने सच्ची में इसके आगे नहीं देखी थी और प्रिडिक्ट कर चुका हूँ और जो सही है यही होने वाला है। नाउ बैक टू द मूवी। अब ऊटी के रॉय की पत्नी माला, अच्छा ये हीरोइन है क्या? मतलब मूवी फ्लॉप कराने के लिए पूरे एलिमेंट्स डाले गए हैं इसमें। ये माला अपने नाम की माँ ही नहीं बन सकती है, इसलिए ये दूसरा रास्ता अपनाती है कि तू अनाथालय से कोई बच्चा ला, लो मेरे भी असर होने लग गया। लेकिन ये इसके दूसरे रास्ते से राजी नहीं है कि पराया खून है, रात को कहीं हमारा खून करके जायदाद हड़प ले तो। ही इज नॉट एग्री। बैंगलोर के रॉय की गर्लफ्रेंड बिंदु है और ये दोनों ही एक गंदे से गाने पे डांस कर रहे हैं। बैंगलोर में ये, ऊटी में ये। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। चुप। नाउ बैंगलोर का रॉय उसका पीछा कर रहे एक अनजान आदमी को पकड़ के उसके पीछे हाथ रखता है और डैडी? अच्छा तो ये जैकलीन का डैडी है। अरे बस एक ही बार में कितना हंसाओगे, सांस तो लेने दो। अब हम इतनी मुश्किल से हंस के रुके ही थे लेकिन ये फिर से। आई थिंक ये माँ को जानते हैं। अंकल आपने ऐसी नाचते नाचते हमारे घर आना शादी की बात पक्की कर दी। अब जैकलीन के पापा रॉय की माँ से मिलकर इनका रिश्ता पक्का कर लेते हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि बैंगलोर का रॉय ऊटी जा रहा है। इसने ऊटी के रॉय को इसके साथ देख लिया था, इसलिए इसको शक होता है कि कहीं ये मेरी बेटी को धोखा तो नहीं दे रहा। कंफ्यूजन स्टार्ट। एज आई सेड, रॉय जॉय के साथ अगले दिन ट्रेन में बैठ के निकल लिया। ये एक बार इसको भी फिर से देख लो, बच्चे क्या एक्सचेंज कर लिया, बार बार बीच में आकर कॉमेंट्री करता है, स्टोरी सुनाता है, सस्पेंस बढ़ाता है, डायरेक्टली कैमरे में अपनी मुंडी घुसेड़ के हमसे बात कर रहा है। रे हमको नहीं करनी बात, सुनना ही नहीं है कुछ, भग जा तू। ट्रेन में ही उसके पैसे चुराने आता है बहुत रात में सबके सोने के बाद। लेकिन इतनी ही रात में ये ऊटी में अपना सर्कस का शो चला रहा है तो कितनी क्रिएटिविटी भरी पड़ी है इसमें यार, आगे तो और भी ज्यादा है। मैंने तुमको वादा तो कर लिया कि मैं तुमको बचा लूंगा लेकिन मैं खुद नहीं बच पा रहा, इसलिए सॉरी। तुम भी सेफ रहो, मैं भी सेफ रहता हूँ, इसलिए इसको शॉर्ट में ही निपटा देते हैं। वैसे भी ज्यादा कुछ है भी नहीं आगे। तुमको मैंने वो 2 पॉइंट्स तो बता ही दिए, आगे भी वही है और कुछ भी नहीं है। ऊटी के रॉय जॉय और बैंगलोर के रॉय जॉय आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। कोई बोलता है मैंने तुझे वहां देखा है, यहां देखा है, एवरीवेयर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, बस बावड़ों जैसी हरकतें करते रहते हैं। एंड में पता चल जाता है कि ये दो नहीं है, ये दो हैं और इस डॉक्टर के टर ने ही बच्चे एक्सचेंज कर दिए थे। साले को पकड़ के मारो, देख क्या रहे हो। बस अब सब कुछ खत्म है, दी एंड, भाग जाओ यहां से सब। नहीं अभी तो एंड क्रेडिट सीन भी है मार्वल की तरह। ये गोलमाल के गोपाल लक्ष्मण वगैरह जो भी है उन्हें भी दिखाया जाता है, उससे भी लिंक कर दिया इन्होंने इसको। इस एमसीयू के बच्चे ने दिमाग खराब कर रखा है लोगों का, हर कोई ही अपना यूनिवर्स बनाने चल रहा है। लेकिन चलो ठीक है, बनाओ अपना यूनिवर्स, पर एक बात बताओ, ये सर्कस गोलमाल के पहले के टाइमलाइन की है तो ये लोग तो सेम ही है ना, गोलमाल के भी सर्कस के भी, अब इनके भी क्या ट्विन निकाल दोगे? एक्चुअली इस चीज पे भी डिकोड एक्सप्लेनेशन वीडियोस बननी चाहिए जो मार्वल वालों और क्रिस्टोफर नोलान को दिखानी चाहिए कि ये होती है असली माइंड बेंडिंग मूवीज। बस आज के लिए दैट्स इट। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, इस चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो तो न्यू लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा और जरूर लिख देना। और अगर तुमको कोई बात पूछनी बखनी या करनी है तो कमेंट है उसके लिए भी। एंड डोंट यू फॉरगेट टू से माय नेम, लव यू फाइनली, बाय बाय।